या लुखिया मैम, या सर लुखिया प्लीज लेफ्ट साइड मेरा जो नया म्यूजिक है वहाँ तो ग्लोबल ऐसे नहीं उसकी जो आर्टिस्ट है जाए मेन आर्टिस्ट काव्या जोन्स और उसकी एल्बम पहले मैंने एक निकाली थी उस पर आजा मेरी भाव अब उसका नेक्स्ट गाना है तो ये गाना तो है मेरा बेटा काव्या गा रही है मैंने कंपोज किया है प्रोड्यूस किया है और द डिफरेंस आई थिंक यू आर गोइंग टू लाइक That is very funky, it's very modern, but वो एक melody जो है एक गुनगुनापन जो आप गाना गुनगुना सकते हैं आई थिंक दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ द सॉन्ग सो मे बी काव्या कैन टेल यू इन हर ओन वर्ड्स कैसे यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ लेजेंड लाइक हिम हु इज मेंटरिंग यू एंड यू नो फील अबाउट दैट फ्रॉम सो व्हाट इज अबाउट सर अबाउट दिस प्रोजेक्ट एज़ सेड थैंक यू राइटली सेड आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई एम द चोजन वन आई थिंक मुझे भगवान ने बहुत अच्छे से टाइम लेके सर की लाइफ में भेजा है क्योंकि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है एंड बीइंग एब्सोल्युटली अ यंग आर्टिस्ट एंड पुटिंग माय म्यूजिक आउट देयर एंड हैव हिम कंपोज एंड प्रोड्यूस इट इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे मिल सकता अपने म्यूजिकल करियर में और ये गाना जैसे सर ने कहा कि काफ़ी यूनिक है इसका ढंग भी बहुत डिफरेंट है वीडियो कुछ बहुत ही डिफरेंट है अतरंगी है थोड़ा तो आप सबको देखने में भी बहुत मजा आएगा एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग इट रिकॉर्डिंग फॉर इट Sir, you mentioned you and what is your strength as an artist? I mean, how did you started out and what was the strength and how you're going to and what is your vision for you as in the future? I think with Leslie sir, I'm only discovering my strengths and I'm really working on all the weaknesses that I have. I think I'm blessed to have a mentor like him because जितनी भी मेरी strengths हैं उन्होंने हमेशा उसी को आगे रखा है और उसी को ज़्यादा project करने की कोशिश की है and it's a work in progress. कभी सीखना नहीं बंद कर सकते तो मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा सीखती रहूँ और मेरा आर्ट ऐसे ही आगे बढ़ता जाए So what about this about how she has learned my music things and what about her artist? What is the strength here? What? Recording thing? Mike about the recording thing? How you used to direct? हाँ लेकिन काव्या जो है she came to me she's my co-vocalist जब हम live perform करते हैं तो मेरे साथ गाती है तो जब पहले पहले आई थी तो ऐसे सर मुझे आपके पास सीखना है सर वो वोकलिस्ट क्या सीखेगी आई डोंट नो तो मैंने बोला कि अगर तुमको सीखना है तो आज अब 50 साल से एवरी डे आती है बहुत मुश्किल है आप कहाँ भी जाए अगर आपको किसी सीखना है और आपको बोला कि बस अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है आ जाओ बैठ जाओ हम कुछ मीटिंग में जा रहे हैं आ जाओ साथ में तो ऐसे आते आते उसने बहुत कुछ सीखा है She has worked with the best people, she has met the biggest people in the industry क्योंकि साथ में रह रहे के सीख रही है और गाना कैसा गाना है इसको रिकॉर्ड कैसा करना है उस गाने में जो जान जो है वो कहाँ रहती है वो सब उसने सीखा है मैं कह सकता हूँ कि मेरी असिस्टेंट अच्छी असिस्टेंट बन गई है तो आई थिंक शी इज़ लर्नड अ लॉट एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वेरी फोकस्ड और ऐसा स्टूडेंट मिले आई एम ब्लेस्ड एक ही है लेकिन सर बट व्हेन यू वर अ बिग नेम राइट नाउ सो यू आर अ बिग नेम सोशल मीडिया वाज नॉट देयर आई मीन पीपल यू नॉट हैव द सोशल मीडिया मीडियम आजकल लोग अपने क्रिएटिव मीडियम को किसी भी तरह से मतलब बाय हुक और क्रूक दे वांट टू बिकम पॉपुलर एंड यू नो दे वांट टू ग्रो देयर व्यूअर्स व्हाट टू से अबाउट दिस
तो सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑल प्रमोशन ऑल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंटेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड बी इन राइट वे। वही मेरा वही कहना है, एक राइट वे में जब आएगा, कब आता है, जब कंटेंट अच्छा होता है, सही होता है, तो ऑटोमेटिकली राइट वे में जाता है। माई पॉइंट इज़ कि सोशल मीडिया हमारा एक गाना है, जहाँ मुझे लगता है और जो लोग सुनते हैं उनको लगता है कि कॉन्टेंट अच्छा है। आपने सुना है परी हूँ मैं, जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल जो भी है, जासानी धपा कृष्णा, इसमें कंटेंट अच्छा है। तो उस टाइम का जो सोशल मीडिया था, जो न्यूज़पेपर्स थे, रेडियो स्टेशन थे, उन्होंने उसको फैलाया। अब 2022 है, मुझे लगता है कि ये गाने में भी वही बात है, वही स्ट्रेंथ है गाने में, कॉन्टेंट है, तो ये सोशल मीडिया उसको फैलाए। एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, गोवा वेरी स्ट्रॉन्ग है। मैन यू नो वेन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक एज सच, पहले क्या होता था कि बॉलीवुड के गाने बहुत पॉपुलर होते थे, लोग जुड़ना चाहते थे। अभी का सीन ये है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना ज़्यादा लार्ज हो गया है, तो व्हाट यू सपोर्ट इट, आई मीन ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो मैंने ही स्टार्ट किया था, परी हूँ मैं करके गाना था उस टाइम, और इंडी पॉप करके कुछ था ही नहीं, उसका नाम बन गया है इंडी पॉप। अब बहुत से लोग अपना अपना गाना करने लगे, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक बढ़ गया है। इतना म्यूजिक आ रहा है किसी को कुछ याद नहीं रहता है, इसके सब माइंड में आके निकल जाता है, दिल तक नहीं पहुंचता है। तो बिग डिफरेंस जो है कि एवरीबॉडी इज मेकिंग म्यूजिक, वेरी फ्यू पीपल आर मेकिंग सॉन्ग्स दैट स्टे इन योर हार्ट। सब आके सुनते हैं, तो म्यूजिक बहुत बन रहा है, वो मेमोरेबल गाने जितने बन रहे हैं। तो मुझे मेरा कहना है कि वो आने वाला है, वो पास्ट में था, इसीलिए आप गाने वो पहले से गुनगुना रहे हैं, और आगे जाके भी मुझे लगता है कि लॉट्स ऑफ न्यू सॉन्ग्स जिसमें कंटेंट और ट्यून अच्छी हो या आपके दिल तक जाएगा, वो आने वाला है। सर, आपने आशा भोसले से लेके काव्या जोन्स तक कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिया है और उनको इस टाइप ऑफ म्यूजिक में इंट्रोड्यूस किया है, तो आपके जो कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको आपने एक डिफरेंशियल सॉन्ग दिया और कैसे गाने थे, थोड़ा सा आप अगर उस बारे में बोल सकते हैं, एंड देन अ लिटिल अबाउट द सॉन्ग शी इज डूइंग करेंटली। हर आर्टिस्ट का एक खूबी अलग होता है, तो आशा जी का एक अलग था, उनका स्टाइल सब जानते हैं, तो वो उनके लिए जानम समझा करो मैं कैसे कर सकती हूँ, वो एक मुश्किल था कि विशेष आशा जी। उसके बाद जैसे कि परी हूँ मैं, वो कंपोज करने में वो आर्टिस्ट को कैसे दे, या समझो कृष्णा नी बेगनी हरी अर मैं, हम दोनों साथ में, हरी की क्या खूबी है, मेरी क्या खूबी है, कैसे मिक्स करें। और जैसे कि एक यंग आर्टिस्ट था के, तो उसको सामने ला के लोगों पर पेश करें कि इतना अच्छा सिंगर है, तो उसके लिए कैसा गाना लिखना। आप देखें सब गाने अलग अलग हैं क्योंकि आर्टिस्ट अलग है, तो उसी तरीके से मैंने काव्या के लिए गाना जो मेरा है वो, क्योंकि बहुत अलग सी आर्टिस्ट है, उसकी खूबियाँ बहुत हैं, जितनी दिखती है कि ऐसी दिख सकती है, कल कुछ और दिख सकती है, तो वैसा उसका गाना भी वैसा ही है। तो शी इज़ वेरी मोल्डेबल, शी इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड शी इज़ वेरी म्यूजिकल, तो उस हिसाब से ये गाना बना है। इस गाने में भी काफ़ी सारे वेरिएशन है ना, जैसे यू हैव वन हैंड यू हैव एनर्जी, ऑन द अदर हैंड देयर इज मेलोडी, तो ये एक सॉन्ग में आपने मिक्स किया एंड आई लाइक हर टू मे बी सिंग अ फ्यू लाइंस ऑन इट। सो मैं पहले गा दूँ कि पहले बोल दूँ? गा लूँ फिर। हे तेरी ये नज़दीकियाँ धड़काए दिल ये मेरा, मेरा 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 दिल धड़के अपासा, आंखें मिला ले जरा और सुन दिल ये कहता है क्या, तेरी बनी मैं तेरी रहूं मैं जाना, ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं, ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं, फिर दिल को लॉक करके कह दूं मैं बेबी अब कहीं ना जाना। और इसमें इसके बाद ये तो एक फंकी इसके बाद एक मेलोडी आता है, मेलोडीज भी है, तो क्या क्या नशा खुशबू ज़हन में भरा, क्या समां ख्वाबों में जी जरा, ओ तुझको अब पाऊं मैं कैसे समझाऊं मैं।
की तो मेलोडियस से एक क्लासिकल पढ़ा भी हुआ है जो इंडियन इंडस्ट्री में है वो आके वापस फिर से पंकी बनना आई थिंक पीपल आर लाइक दैट उनके हर लाइफ में अलग अलग जोन है घर जाते हैं अलग अलग से बाहर जाते हैं तो आई थिंक म्यूजिक हैज़ दैट थिंग कि ये भी मेरा है बाहर जाएंगे और गुनगुना रहते घर पे आते तो और सर बट मोर थिंग आई मीन यू आर नॉलेजेबल ऑफ ऑल द वर्ल्ड म्यूजिक एंड ऑल द सिनेरियो हैपनिंग इन तो वेस्टर्न कंट्रीज में इतना लार्जर एंड लाइव म्यूजिक ट्रीट करता है आर्टिस्ट का खासा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का इंडिया में यू थिंक्स से थिंग्स ऑफ इम्प्रूवमेंट आई मीन ऑर्गेनाइज ज़्यादा होना चाहिए इस चीज़ों को मुझे लगता है सिस्टम नया नया है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए इंडिया में तो वो सिस्टम अब जगह में आ रहा है वो पूरा टाइम लगेगा बट देर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इंडिया में भी बहुत सा टैलेंट है जैसे इंटरनेशनल में है वो हमारे थोड़े आगे है क्योंकि वो हमारे पहले करते रहे तो उसमें क्या मिस्टेक्स है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आई थिंक दे ऑलरेडी डन दैट तो उनकी लेवल आउट होगी इंडिया की अब लेवल आउट हो रही है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक क्योंकि इतने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आए हैं मैदान में तो आई थिंक यू गोइंग टू गेट सम फैंटास्टिक लास्ट वन मोर थिंग आई मीन आवर ऑडियंस इज सो मच बॉलीवुड आउटसाइड कि उनको आर्टिस्ट चाहिए यू नो एक्टर्स और एक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री वो कितना वीकनेस है एट द पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डू समथिंग क्रिएटिव एज सच आई थिंक क्योंकि बॉलीवुड डोमिनेटेड है ही आई थिंक हमें उसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू हैव अ बॉलीवुड एक्टर और अ बॉलीवुड एक्ट्रेस बैक योर सॉन्ग्स भी मुझे नहीं लगता है कि कोई क्रिटिकल बात है बट हाँ क्योंकि आई थिंक मेरे लिए ये मेरा गाना है तो आई वांटेड टू बी द फेस ऑफ माय म्यूजिक वीडियो आई डिडंट वांट एन एक्ट्रेस और एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ इट सो इवेंचुअली देखेंगे बट आई एम नॉट गोना रन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आज हम बॉलीवुड की वजह से हम कितने सारे गाने सुनते हैं जैसे आपने पहले भी पूछा कि वेस्ट में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑलरेडी था बहुत टाइम से वहाँ पे ज़्यादा फिल्मों में गाने नहीं आते थे हमारे यहाँ पे तो सिर्फ फिल्मों में ही गाने सुनते सुनते हमने देखा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो अभी शुरू हुआ है सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस ये जो गाना जो हमने किया है तू है मेरा काजा का गाना उसमें आप जब रेडियो ऑन करोगे या ऑडियो ऑन करोगे आपको अच्छा लगेगा अब जब वीडियो देखेंगे उतना या उतने से ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें भी इतनी वैरायटीज है जो ऑडियो में है तो आई थिंक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना गाना और मुझे लगता है कि अगर हम ही हमारे गाने को नहीं फेस देंगे तो एक इंडिपेंडेंट गाना उसी से बनता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे तो कोई सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे तो सिर्फ मेरा गाना है और मैं हूँ तो आई होप आप सबको ये गाना आप अच्छा लगे थैंक यू